हुंकार रैली सरदारी ने हुंकार भरी है और आपका ये धूप का पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा। 2023 में ये कांग्रेस की विदाई को तय करने की शुरुआत है। आज सिंह द्वार से ये सिंहनाद और आपकी हुंकार केवल अलवर तक नहीं है, आपके नारों की गूंज दिल्ली में, आपके नारों की ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक भी पहुंची है और जिनके कुर्सी के पाए हिलने वाले हैं उस सोनिया गांधी की भी धड़कन बढ़ गई है। इसलिए कार्यकर्ता साथियों, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। अरे गला बचा के रख थोड़ी देर, मैं भी वापस लगवाऊंगा ना। अभी जितने वक्ताओं ने खूब सारी बातें कही हैं, सरकार के खिलाफ कही हैं, सरकार कैसे काम करती है उसका आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण रखूंगा, आपको आनंद आएगा। हिंदी के एक हास्य कवि हैं शैल चतुर्वेदी जी, उन्होंने अशोक गहलोत जैसी सरकार के मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा, जैसे टीकाराम जुल्ली जी बड़े ना, एक नए नए बने मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा आज कार में चलाऊंगा, ड्राइवर ने कहा हुजूर मैं उतर जाऊंगा। एक नए नए बने मंत्री ने ड्राइवर से कहा आज कार में चलाऊंगा, ड्राइवर ने कहा हुजूर मैं उतर जाऊंगा। ये कार है सरकार नहीं जो भगवान भरोसे चल जाए। मित्रों, इस सरकार का कुछ धड़ी धोरी नहीं, कुछ हता पता ही नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे अंध आदमी पाटे पे बैठा हो। ऐसी सरकार अशोक गहलोत चला रहा है। अलवर की किसान सरदारी नौजवान भाइयों, मैं मेरे साथी लोगों का बीच बीच में उल्लेख करूंगा, सरकार कैसी होती है, नेता कैसा होता है, सरकार कैसी चलती है। रूस और यूक्रेन का रुद्ध के युद्ध के बारे में आप सबको जानकारी है, दोनों तरफ भीषण बमबारी थी, 25,000 लोग हिंदुस्तान के फंसे हुए थे। मेरे क्षेत्र के, राठौड़ साहब के, सब लोगों के क्षेत्र के मेडिकल के विद्यार्थी भी फंसे हुए थे। देश के प्रधानमंत्री को चिंता थी, पड़ोसी देशों में चार चार मंत्री भेजे, वायुसेना के विमान भेजे, लेकिन उन विद्यार्थियों को, हिंदुस्तान के उन लोगों को रोमानिया, हंगरी और पोलैंड के बॉर्डर पर तो खुद की जोखिम पर ही आना था। मेरे क्षेत्र में एक मेडिकल का विद्यार्थी जब लौट कर आया तो मैंने पूछा तुम सकुशल हंगरी के बॉर्डर पर कैसे पहुंचे, उन्होंने कहा जो आप सब लोगों को ताकत देने वाला, ऊर्जा देने वाला और प्रेरणा वाला किस्सा है। उसने कहा हिंदुस्तान के लोग इकट्ठे हुए, हम सारे विद्यार्थी एक कपड़े का टुकड़ा लिया, उस पर तिरंगा पेंट किया, तिरंगे को रंगा, उस तिरंगे को लेकर जब सड़क पर निकले तो एक चमत्कार देखा, रूस ने भी गोलीबारी रोक दी, यूक्रेन ने भी गोलीबारी रोक दी और 25,000 लोग हिंदुस्तान में सकुशल आ गए। मित्रों, सरकार ऐसी होती है, नेता ऐसा होता है, साख ऐसी होती है, रुक जा भैया बाद में करना, साख ऐसी होती है, नेता ऐसा होता है और देश के स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए हम सब का सौभाग्य है कि देश में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के स्वाभिमान को ऊंचाइयां दी है। यहां मंच पर जिन बातों का जिक्र हुआ, बाबा बालकनाथ जी सांसद महोदय भी कह रहे थे कि आजादी के 75 साल हो गए, 75 सालों की आजादी में 55 साल तक कांग्रेस पार्टी को राज करने का अवसर मिला मित्रों, लेकिन 55 वर्षों में नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, मनमोहन सिंह जी, इनकी सरकारें रही, लेकिन इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान की तरक्की के लिए अलवर के किसी गांव की सड़क को जोड़ने का काम किसी ने शुरुआत की और आज हम सब का सौभाग्य है कि उनकी शुरुआत की हुई 70,000 किलोमीटर सड़कें राजस्थान में अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की है।
यहां पर बहुत संख्या में किसान भाई बैठे हैं। किसानों की हिंदुस्तान की आजादी के बाद जो सबसे बड़ी सहूलियत थी वो किसान क्रेडिट कार्ड थी। अटल जी कहते थे शहर के व्यक्ति के बटुए के में क्रेडिट कार्ड होता है, किसान टुकुर टुकुर देखता है। उस किसान को देकर ताकत देने का काम उस किसान क्रेडिट कार्ड ने किया। हिंदुस्तान के बारे में जब लोग कहते थे हिंदुस्तान कमजोर हो गया, उस समय अमेरिका और यूरोप की छाती पर तीन तीन परमाणु के विस्फोट करके हिंदुस्तान को ताकत देने का काम हुआ था। मित्रों, ये माताएं बहनें बैठी हैं हिंदुस्तान में, गांव की उस दशा में देखिए, जब कोई माँ और बहन किसी गांव में अंधेरा होने का इंतजार करती थी, उसकी सुरक्षा को खतरा था, सम्मान को खतरा था, स्वास्थ्य को खतरा था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से ऐलान किया और 10 करोड़ शौचालय बनकर इन मातृशक्ति की सम्मान की रक्षा उन्होंने की। आज बैंक का खाता आसान लगता होगा, लेकिन 44 करोड़ बैंक के खाते, उज्ज्वला की योजना किसी कांग्रेस पार्टी की देन नहीं थी। इंदिरा आवास के नाम पर न छत थी, न खिड़की थी, न दरवाजे थे। हिंदुस्तान के 3 करोड़ लोगों को, राजस्थान के 15 लाख लोगों को छत देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, देश में बदलाव शुरू हुआ और आप लोग यहां सब लोग पैदा होने से लेकर, जन्म से लेकर, मरण से लेकर मरण तक भगवान राम की महिमा का गुणगान करते हो। एक वो सरकार है जो शिव मंदिर पर, 300 साल पुराने शिव मंदिर पर बुलडोजर चलाती है, और एक योगी की सरकार है। आप फर्क देख लीजिए, एक योगी की सरकार है जो ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलाती है जो मंदिर को तोड़ते हैं, जो किसी अबला को छेड़ते हैं। उस योगी की सरकार की प्रेरणा से आज आप सब लोग देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में भगवान राम की मान महिमा का मंडन किसने किया। उस अयोध्या में भगवान राम की पवित्र भूमि पर 500 वर्षों का संघर्ष, लाखों लोगों का बलिदान। कभी तो लगता था ये सपना पूरा होगा कि नहीं होगा। मित्रों, मंच पर बैठे और सामने बैठे लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कार सेवा का अवसर मिला होगा। मुझे भी 2 बार भगवान राम की उस कार सेवा में जाने का अवसर मिला। मैं गौरव कर सकता हूं, आप गर्व कर सकते हो भगवान राम की उस पवित्र मंदिर के शिलान्यास का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। अलवर की किसी चौपाल पर बैठा हुआ, अलवर की चौपाल पर बैठा हुआ, क्योंकि यह धरती सैनिकों की धरती है, अलवर का किसान जब धरती पर हल चलाता है, उसका पसीना धरती पर गिरता है, तो ये अलवर से लेकर राजस्थान की धरती अन्नपूर्णा बनती है। अलवर के किसी किसान के घर में पैदा हुआ 36 कौम का बेटा, जाति कुछ होगी, लेकिन जब सीमा पर खड़ा होता है, उसका खून गिरता है, तब इस भारत माँ की आन बान शान की रक्षा होती है। और इसलिए आप कभी चर्चा करते थे कि क्या कोई माई का लाल पैदा होगा जो कश्मीर के आतंकवादियों में नकेल डालेगा, इनकी छाती पर तिरंगा गाड़ कर दिखाएगा। आप ही चर्चा करते थे 370 खत्म हो जाए तो आतंकवादियों को जवाब मिल जाए।